हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं रोल ऑफ स्कूल इन इनकलकेटिंग वैल्यूज़ लाइक नेशनल, सेक्युलर और ह्यूमनिस्टिक टू द चिल्ड्रन. ठीक है, तो ये वैल्यूज़ बच्चे के अंदर हम कैसे इनकलकेट कर सकते हैं और इसमें स्कूल का क्या रोल है. ठीक है, इन वैल्यूज़ को नर्चर करने में स्कूल का क्या रोल है वो हमें बताना है. तो सबसे पहले जो रोल ऑफ स्कूल है वो ये नहीं है कि सिर्फ सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज दी जाए, लेकिन उसका जो प्राइम कंसर्न है वो यही होना चाहिए कि ये सारी जो वैल्यूज़ हैं वो कैसे बच्चे के अंदर हम नर्चर करें. ठीक है, फिर है हमारे पास जो मेन फंक्शन है ऑफ एजुकेशन, वो इनरिच करना है कैरेक्टर को. और एजुकेशन इज़ अ पावरफुल टूल टू कल्टीवेट वैल्यूज़ इन एन इंडिविजुअल. ठीक है, एजुकेशन के थ्रू ही हम बच्चे के अंदर वैल्यूज़ जो है वो कल्टीवेट कर सकते हैं. तो हमारे पास कुछ वेज हैं जो कि स्कूल कर सकता है, अप्लाई कर सकता है और करते भी हैं. तो कौन कौन से वेज हैं उसको हम देखते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास प्रोविजन ऑफ वैल्यू बेस्ड करिकुलम. मींस करिकुलम जो है वो वैल्यू बेस्ड होना चाहिए, उसमें बहुत सारी वैल्यूज़ हम नर्चर कर सके बच्चे के अंदर. तो वो सारी एक्टिविटीज़ जो है वो इंक्लूड करनी चाहिए. तो वैल्यू बेस्ड जो एजुकेशन है उसका एम क्या है कि बच्चे को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना कि वो आउटर वर्ल्ड के जो भी चैलेंजेस हैं उसको फेस कर सके विद द राइट एटीट्यूड एंड वैल्यूज़. ठीक है, क्योंकि चैलेंजेस हम तभी फेस कर पाएंगे अगर हमारे पास अच्छी वैल्यूज़ होंगी. तो ये जो है ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी हमें हेल्प करता है, चाहे वो पर्सनैलिटी हो, करेक्टर हो, अच्छा सिटीजन बनना हो या फिर स्पिरिचुअल ग्रोथ हो. तो ओवरऑल डेवलपमेंट में हमें जो वैल्यूज़ है वो वैल्यू बेस्ड जो करिकुलम है वो हमें हेल्प करता है. फिर है नेक्स्ट हमारे पास होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चर. मींस कि आज बच्चा जो है वेस्टर्न कल्चर से बहुत अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन उसको अपने कल्चर के बारे में इतना नहीं नॉलेज है. तो इसलिए स्कूल की ड्यूटी बनती है कि सेलिब्रेट करें हर तरह के फेस्टिवल्स को और जितनी भी प्रेयर्स हैं. ठीक है, जो भी हमारे रिलीजन के अंदर डिफरेंट जो भी कल्चर और रिलीजन के अंदर बोली जाती हैं उनको भी स्कूल के अंदर बच्चों को सिखाया जाए. और बहुत सारे जो ट्रेडिशन है, वैरायटी ऑफ कल्चर है इंडिया के, उनके बारे में बच्चों को बताया जाए विद दी जो बुक्सीज हैं या एक्टिविटीज़ के थ्रू. स्कूल्स आर रिक्वायर्ड टू फंक्शन एज अ ट्रू फैमिली एंड मिनिएचर सोसाइटी. मींस एक छोटी सोसाइटी जिसके अंदर जो फैमिली की तरह सब लोग रह रहे हैं, एक दूसरे की केयर कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे स्कूल होना चाहिए. ठीक है, और इसमें ये भी बता सकते हैं कि हम जो टीचर है वो रोल मॉडल होती है बच्चे के सामने. जो टीचर करती है बच्चा वही कॉपी करता है. तो टीचर को जो है, जैसे कि अगर वो दूसरों के लिए कंसर्न शो कर रही है तो बच्चा भी उनसे सीखता है कि यस, दूसरों के लिए हमें कंसर्न शो करना चाहिए. मोटिवेट कर रही है तो बच्चे भी समझते हैं कि हमें भी गुड डीड्स करनी चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए दूसरों को. तो इसलिए जो है सोसाइटी कैसे बनती है, जब हम एक दूसरे से जो हम उनको करता हुआ देखते हैं वही हम करने लगते हैं. नाउ वी हैव इंटीग्रेटिंग वैल्यू इन द एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़. तो जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ है उसके थ्रू भी आप वैल्यूज़ बच्चे को सिखा सकते हो. जैसे कि हमारे पास डिबेट करना है, ठीक है, तो वो भी एक डिबेट करने का भी एक तरीका होता है. ठीक है, ऐसे नहीं कि हम एक दूसरे पर चिल्लाने लग जाए. तो इस एक्टिविटीज़ के थ्रू भी हम बच्चों को वैल्यूज़ के बारे में सिखा सकते हैं. स्टोरी राइटिंग और टेलिंग अगर कर रहे हैं तो उसमें हमें सबको कैसे सुनना चाहिए, बच्चे को कितना बोलना चाहिए. ड्रामा के थ्रू एक दूसरे के से जब रोल प्ले करते हैं तो किस तरह से करना है, ठीक है, किस तरह से एक दूसरे को कोऑपरेट करना है. तो ये वैल्यूज़ जो है वो बच्चे के अंदर नर्चर होती हैं विद द एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ से. फिर है हमारे पास गेम्स के थ्रू भी हम बच्चे के अंदर जो टीचर है वो वैल्यूज़ जो है इनकलकेट कर सकती है. जैसे कि बच्चे की है गेम खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं या खो खो खेल रहे हैं, तो उसमें एक दूसरे को धक्का ना मारें, ठीक है, एक दूसरे को अच्छे से ट्रीट करें, कोई हार गया तो दूसरा दूसरे को चिढ़ाए नहीं, तो इस तरह से एक दूसरे को कोऑपरेट करें. तो ये सारी जो वैल्यूज़ हैं वो भी हम गेम्स के थ्रू जो है बच्चों को सिखाते हैं. और बच्चे आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे से भी बहुत सारी वैल्यूज़ जो है वो एक्सचेंज करते हैं. फिर है हमारे पास ब्रेक दी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड द फेवरेटिज्म. मींस कि कई बार देखते हैं कि क्लासरूम में टीचर ही जो है वो डिस्क्रिमिनेट कर रही होती है बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में, ठीक है, या फेवरेटिज्म जो है वो टीचर का चल रहा होता है. तो इससे बच्चों के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं आता, वैसी ही वैल्यूज़ उनके अंदर जनरेट होती हैं. तो अगर हम चाहते हैं बच्चे के अंदर जो है अपने राइट्स को वो समझें, फ्री स्पीच को समझें, ठीक है, इक्वालिटी को समझें, डेमोक्रेसी को समझें, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीज़ों को जो है ब्रेक करें. फिर है हमारे पास सिविक जो एजुकेशन है वो होनी चाहिए. मींस इस तरह के चैप्टर्स जो है वो बच्चों की सिलेबस के अंदर या फिर करिकुलम के अंदर ऐड ऑन होने चाहिए, ताकि बच्चों को पता चले कि उन सोसाइटी का नागरिक होना क्या होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, ड्यूटीज़ क्या होती हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ क्या होती हैं. और उनको इनक्रेज करना चाहिए कि अगर सोसाइटी में कोई भी डिस्कशन हो रही है इशूज़ से रिलेटेड तो वो उसमें पार्टिसिपेट करें. और क्या करें कि कम्युनिटीज़ के अंदर जो भी लेके फेस्टिवल्स हैं या फिर कोई भी
वही डिस्कशन है, तो उसके अंदर भी उनको अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। स्कूल कलेबोरेट विद द कम्युनिटीज़, ठीक है, तो जो कम्युनिटीज़ हैं उनके मेंबर्स हैं, चाहे रिलीजियस मेंबर्स हैं, उनको जो है इनवाइट करना चाहिए कि वो आके प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करें, ठीक है, स्पिरिचुअल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कोई भी कम्युनिटीज़ जैसे कि साइंस से बिलोंग करती है तो वो अपने आके जो है अपनी रिसर्च बता सकते हैं। इससे जो है बच्चों के अंदर हम बहुत सारी वैल्यूज़ को इनकलकेट कर सकते हैं। और जो स्कूल हैं उनको बहुत सारी कम्युनिटीज़ से रीच भी करना चाहिए, लाइक हमारे पास NCC हो गया या NSSC हो गया, ये जो है नेशनल कमिटीज़ हैं जो कि बच्चे के अंदर नेशनल वैल्यूज़ के लिए जो है वो सीड्स डाल सकती हैं, ठीक है। फिर है हमारे पास सेक्युलर एजुकेशन, ठीक है, इसमें क्या है कि अगर हम बच्चे के अंदर चाहते हैं कि वो उसका किसी के प्रति भेदभाव नहीं हो, ठीक है, हर धर्म की वो रिस्पेक्ट करे, इज्जत करे, तो इस तरह के टॉपिक्स जो हैं हमें ऐड ऑन करने चाहिए। बच्चे को सिखाना चाहिए, एक एटीट्यूड उसका हमें ऐसा बनाना चाहिए कि वो अप्रिशिएट करे, दूसरों को अंडरस्टैंड करे, उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू है उनका उसको समझे, उनके पर्सपेक्टिव को समझे। फिर है टीचर शुड रीच टू गिव द इक्वल वैल्यू टू ऑल दी रिलीजन, ठीक है, उनको टीच करना चाहिए कि सभी जो रिलीजन्स हैं वो इक्वल हैं, एक दूसरे के कल्चर, लैंग्वेज और ट्रेडिशन की वैल्यू करनी है, तो इससे उनके अंदर क्या आएगा कि वो सारे धर्मों को इक्वल ट्रीट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो टीचर है उनको स्टोरीज बता सकती हैं, जितने भी ग्रेट वॉरियर्स हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के अंदर, रिलीजन के अंदर, उनके बारे में जब बताएगी तो हर रिलीजन के प्रति उनके मन में एक अच्छी भावना जो है वो पैदा होगी और वो एक दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट करेंगे, सभी धर्मों को समान समझेंगे।